हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी सीरीज यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इट विल डेफिनेटली एक गारंटी है, और अगर ऐसा ना हो तो आप कमेंट्स में लिख देना कि नमो सर आपने जो कहा था वो नहीं हुआ, ठीक है ना। नहीं तो लिखना यस नमो सर सही कहा, मेरे को सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे गूज़बम्स आए। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही इस सेशन को अटेंड करना है। ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ चेंजिंग लेसन होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप भी दिखाने वाला हूँ एक बहुत बड़े फेलियर की। When I say this with confidence, I say this with a lot of experience that I have, and we are going to talk about the greatest lessons of our life. मतलब हमारी लाइफ का सबसे बड़ा greatest lesson क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट लेसन, सबसे पहले इन द चैट में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इन द चैट में आप सबसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि सबसे ग्रेटेस्ट लेसन क्या होता है हमारी लाइफ का, ठीक है। इन द लाइव चैट आई एम वॉचिंग द लाइव चैट राइट नाउ। पता नहीं मुझे लाइव चैट क्यों नहीं दिख रही है फॉर सम रीजन, ठीक है। एवरी वन प्लीज टाइप यो इन द लाइव चैट, जल्दी से येस टाइप करिए, है ना। और मैं यहाँ पे भी अपनी लाइव चैट खोल लेता हूँ, रुको एक मिनट। तो यार मेरे सामने एक आईपैड रखा है और इससे ज़्यादा बेकार चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी है, पता नहीं क्यों। रुको एक मिनट, बंद हो जा भाई। ओके क्लियर, इट्स वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट। रुको एक मिनट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। मैं बस अपने यहाँ पे लाइव चैट ऑन कर रहा हूँ। अरे हो जा यार, यस ठीक है। परफेक्ट यार, यहाँ पे ना लाइव चैट चल नहीं रही है फॉर सम रीजन। आप लोगों के लिए भी नहीं चल रही है क्या लाइव चैट? आई कांट सी द लाइव चैट एट ऑल। रुको जस्ट अ मिनट, मैं एक बार पता कर देता हूं। एक मिनट बच्चों होल्ड करना, ये बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, बट यार यहाँ पे कुछ तो इशू है। लाइव चैट चल रही है? नहीं चल रही है ना। रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एवरीवन, ये लाइव चैट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय मैम, हमारा जो सेशन है यूट्यूब पे, उस पर लाइव चैट नहीं चल रही है। ये यूट्यूब का इशू है, हमारा इशू है? ओके। हाँ, बिकॉज आई एम लाइव राइट नाउ, है ना। बच्चे मेरे सामने वेट कर रहे हैं, और इसमें लाइव चैट बहुत ज़रूरी है ना। मुझे भी नहीं दिख रही है, मैंने कई सारे डिवाइसेस पे चेक कर लिया, एक बार देख लीजिए क्या है। ओके थैंक यू। ओके बच्चों, अभी रुको, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तब तक आप लोग शेयर कर दो अनअकैडमी जी को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आज का जो सेशन होने वाला है इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड। ऐसा सेशन आपने नहीं देखा होगा, गारंटीड गूज़बम्स आपके आएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के कि यार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन इन योर लाइफ, ठीक है। ओके रुको एक मिनट, रुकिए, है ना। ओके लाइव चैट आ रहे हैं? ओके लाइव चैट इज कमिंग। मैं एक बार यहां पे रीलोड कर देता हूं लाइव चैट। यस चैट ओपी इन द चैट बॉक्स। चलो ओके ठीक है। तो वी आर लाइव एंड नाउ वी ऑफिशियली स्टार्ट। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिसको देख के आप बहुत बड़ा लेसन लर्न करोगे। बट सबसे पहला क्वेश्चन ऑन दिस सेशन, द ग्रेटेस्ट लेसन, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनअकैडमी जी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो अभी के अभी। वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप सोशल मीडिया पे आग की तरह इसको फैला देना, ठीक है। और आप मुझे टैग भी कर सकते हैं @NamoCall ट्विटर अनअकैडमी पे, मुझे ट्विटर अनअकैडमी और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इफ यू वांट अ रिस्पांस फ्रॉम मी, इंस्टाग्राम स्टोरीज द आंसर, ठीक है। यू कैन जस्ट मेंशन मी, आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द ग्रेटेस्ट लेसन। अब जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन इन योर लाइफ, ठीक है। जल्दी से सबके सब बताओ। हाँ, the chat was not coming but now it is coming. What is the greatest lesson in your life?
आपकी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट लेसन क्या रहा है अभी तक? तो ये मेरा क्वेश्चन है सबसे, व्हाट हैज बीन द ग्रेटेस्ट लेसन? ओके, आकाश ने कुछ बोला है, आकाश बोल रहा है फेलियर। ओके, एनीबडी एल्स? मदर, ओके, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत सारे लोग फेलियर 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 बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट लेसन कुछ लोग अनअकैडमी भी बोल रहे हैं। नहीं, अनअकैडमी तो आपको लेसन देता है, बट यस आई थिंक यू आर राइट बच्चों, यू आर राइट। द ग्रेटेस्ट लेसन इन एनीबडीज लाइफ इज नथिंग बट फेलियर, क्योंकि फेलियर जो आपको सिखाता है ना, वो कई ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से आपकी लाइफ को बदलता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। फेलियर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इंस्टेड आपको क्या लगता है फेलियर और सक्सेस अलग अलग है? नहीं, फेलियर सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इमीडिएटली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कभी आपने वीडियो गेम खेला है? कभी आपने कोई भी वीडियो गेम खेला है जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है? तो जब आप उसको पार नहीं कर पाते, किसी भी वीडियो गेम को जब आप पार नहीं कर पाते, आप फेल होते हो, फेल होते हो, फेल होते हो, फेल होते हो, एंड देन यू नो 200 वेज ऑफ नॉट बीइंग डेड इन दैट। मारियो जब आप खेलते हो तो आपको पता है कि यार यहां पे नहीं जाना है, वहां पे नहीं जाना है। तो फेलियर आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, फेलियर आपकी लाइफ का फ्यूल होता है। और आपको पता है अभी मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर देगी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समवन हु फेल्ड सो मेनी टाइम्स, someone who was a failure from the very, very beginning. And again, we are going to talk about that right now. But उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने earphones लगा लें, अपने कानों पे earphones, headphones, जो भी आपके पास है लगा लें। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपनी वॉल्यूम हाई कर लें, किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पे बिल्कुल मतलब लाइक सिनेमा सेटअप हो, प्रॉपर सिनेमा सेटअप हो, जहां पे नॉइस कम हो। अभी के अभी इन द चैट बॉक्स जैसे ही आप ये कर लेंगे हम स्टार्ट कर देंगे। आई एम गोइंग टू शो यू अ क्लिप विच इज रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा बच्चों, इतनी प्रभावशाली है वो पिक्चर, मतलब वो जो क्लिप है उससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, एंड यू विल एग्जैक्टली नो हाउ फेलियर कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि यार ये इमोशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमोशन रहा है आज तक का, सबसे बड़ा इमोशन रहा है आज तक का, ठीक है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हैव यू पुट ऑन योर ईयरफोन्स, हेडफोन्स, जो भी लगाना है जल्दी लगाओ, बिकॉज नाउ वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, एंड नाउ वी बिगिन। Just an amazing atmosphere here. Boy, you can hear the crowd screaming for their favorite, the little master. Everyone wants him to do well. Well, the atmosphere is unbelievable and electric here. तो यस, कैसा लगा?
इन द चैट बॉक्स. अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है. डू शेयर दिस विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. तो आपको पता होगा, यू मस्ट नो दिस, दैट नाउ यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ एन अकेडमी, और यू ऑलवेज वर. बट आज आपके साथ एक और ब्रांड एम्बेसडर जुड़ चुका है, एंड दैट इज सचिन तेंदुलकर. ही इज ऑल्सो, ही हैज मेड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन एन अकेडमी. एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने आज तक किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया, और आपको ये बात पता होनी चाहिए. ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए. एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा, आपको इसने इंस्पायर किया, और कितने लोगों को एक्चुअली में वो गूजबम्स फील हुए. आपने फील किया उसको? हमेशा लोग बोलते थे ही इज द लिटिल मास्टर, हाइट कम फाइट ज्यादा. मतलब जस्ट इमेजिन, हाइट कम होना वॉज सच अ बिग डिसएडवांटेज इन एनी स्पोर्ट, इन सो मेनी स्पोर्ट्स. हाइट कम होना कितनी बड़ी डिसएडवांटेज होती है, और रिकॉर्ड इतने हाई कि कितनी भी ज्यादा हाइट हो किसी की, बट वो उसको बीट नहीं कर पाया आज तक ऐसे रिकॉर्ड्स है. तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. बट अब बात करेंगे, अब इसको समराइज करेंगे, और ये समराइज करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. पता है, आपने कभी ये कहावत सुनी है दैट सक्सेस इज लाइक एन आइसबर्ग? अब सुनना, ये बात ध्यान से सुनना, कि हम ये देखते हैं जब भी कोई सक्सेसफुल होता है तो हम ये टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं. वॉट वी सी, वॉट पीपल सी, वॉट पीपल डोंट सी इज डेडिकेशन, हार्डवर्क, गुड हैबिट्स, डिसअपॉइंटमेंट, सैक्रिफाइस, फेलियर एंड परसिस्टेंस. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए. खाली फेलियर नहीं, ये नहीं कि तुम फेल होते जा रहे हो, होते जा रहे हो गधों की तरह, बस काम करते जा रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो. बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए. एंड वही मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जो सक्सेस के लिए नीडेड होता है वो ये सारी चीजें हैं. प्लीज ध्यान रखना, डेडिकेटेड रहना, हार्डवर्क करना, अच्छी हैबिट्स रखना, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फेलियर तुम्हारे तरफ आएगा, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, बिकॉज someone who doesn't give up, someone who doesn't give up is only the one who's successful. वही successful होता है जो कभी give up नहीं करता. You have to keep trying, you have to keep failing, but important यह है कि try करते रहो और fail करते रहो. Smart work भी बहुत important है इसमें, hard work करना है, good habits, in the right direction. Success तभी मिलता है जब आप hard work करते हो in the right direction, जब आप fail होते हो सही सही चीजों में. Please understand, the bigger the failure, the better is the learning, the bigger is the lesson. Which is, what is the biggest lesson in your life? Failure is the biggest lesson in your life. एक बहुत मेरे को दो quotes बहुत अच्छे लगे थे, मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. And that's exactly what this one talks about. ये सुनना, you try, you fail again. The real failure is when you stop trying. ये नहीं कि तुम्हें बहुत बार क्या होता है कि हम fail होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, नहीं यार हमसे नहीं होगा. आपने देखा सचिन कितनी बार फेल हुआ, इतना बड़ा फेलियर बनने के बाद इतना बड़ा सक्सेस हासिल हुआ उसको. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? द बिगर द फेलियर, द बिगर इज द लेसन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द ग्रेटर द फेलियर, द ग्रेटर इज द लेसन. और ये बात कभी मत भूलना अपनी लाइफ में, फेलियर विल ऑलवेज बी योर बिगेस्ट लेसन. एंड फेलियर और सक्सेस अलग अलग नहीं है. Instead, failure is part of success. Success कभी भी starting में नहीं मिलता. And if you get it in the first go, मैं बता रहा हूँ शायद तुम उतने successful नहीं होगे. Fail होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आपको एक successful इंसान को ये पता होता है कि क्या नहीं करना है fail होने के लिए, क्या नहीं करना है fail होने के लिए. I would like to end this session by this beautiful quote by Robert Kiyosaki, who said one very मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. Losers और winners को जो differentiate करता है, कल का जो सेशन था वो विनर्स के ऊपर था. वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके जरूर देखना. दैट स्टोरी वॉज अबाउट CR7, दिस वॉज अबाउट सचिन तेंदुलकर. लूजर्स क्विट वेन दे फेल, विनर्स फेल अंटिल दे सक्सीड. दे कीप फेलिंग. विनर्स आर द वंस हू फेल अंटिल दे सक्सीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप आप समझ रहे हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स में फेल होना है. ठीक है, तुम्हें हर दिन फेल होना है क्वेश्चंस नहीं करने में, कि तुम सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मतलब एंड में तुम जाके पास हो जाओ. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब्जेक्ट्स में फेल हो जाओ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. बट लाइफ में बहुत सारी ऐसी रैंडम चीजें आएंगी जो तुम्हें करनी होंगी, जो तुम्हें लगेगा कि आज तक किसी ने नहीं किया है ना, और तुम उसको करोगे, तुम उसको फेल, और एंड देन यू विल फेल 10,000 times. बट यू नो 10,001 time जो आपका विन होगा ना, लोग बोलेंगे यार ये क्या विन था. 10,000 बार ट्राई करने के बाद भी इस बंदे ने हार नहीं मानी. एक मांझी द माउंटेन मैन आपने देखा होगा, अपनी पूरी लाइफ लगा दी उस इंसान ने, पूरी लाइफ लगा दी. एक माउंटेन को तोड़ रहा था एक मॉर्टल अब एक माउंटेन को तोड़ रहा था माउंटेन मैन. एंड में जाके जब उसने तोड़ दिया तो पीपल मतलब जस्ट इमेजिन यार, मॉन्यूमेंटल सक्सेस. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हार नहीं माननी है, परसिस्टेंस रखनी है, हार्डवर्क करते रहना है.
एंड हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ यार देर विल बी यू नो टनल इज ब्राइटर ऑन द अदर साइड. हो सकता है कि टनल बंद हो, टनल को तोड़ेंगे हम. ठीक है, समझ गए मेरी बात. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना. उसके अलावा डेफिनेटली जेई की प्रेपरेशन में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, एंड दैट इज आज आपके पास 9 लाख बच्चे जेई देते हैं और 15 से 20 लाख बच्चे यहां पे आते हैं. वी हैव ऑल्सो क्लॉक 28 लाख इन अ डे. नाउ यू हैव ऑल द लेक्चर्स, ऑल द नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th 12th लाइव daily.me/jee आपकी डिजिटल वीडियो बुक है. नहीं तो आप टेलीग्राम पे मेरा जो एक चैनल है नमो कॉल, उसमें मैंने इसको पिन भी कर रखा है. ठीक है, इसको गूगल सर्च मत करना, प्रॉपर तरीके से जाना, ब्राउजर पे जाना, ब्राउजर पे जो ऊपर वाला ये URL होता है इस पर टाइप कर देना. नो डाउनलोड रिक्वायर्ड, नो लॉगिन रिक्वायर्ड, बस इसको ध्यान रख लेना इस लिंक को, है ना. इसमें इट हैज जेई लाइव डेली एंड यू, जेई लाइव डेली एंड मी, है ना, समझ गए मेरी बात. सो इट इज liveDaily.me, ये वेबसाइट है /jee विदाउट स्पेसेस, सब कुछ छोटा, यहाँ पे एंटर कर दो, कोई स्पेस मत देना, नहीं तो गूगल सर्च हो जाएगा एंड देन what यू कम अक्रॉस इज दिस. ठीक है, चलो आई थिंक दैट वॉज ग्रेट. और डेफिनेटली आपको हमारा स्केड्यूल तो पता ही है, और इन दी एंड आई वुड लाइक टू से लेट्स क्रैक इट. और आई विल ऑल्सो टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी में यूसैट का हमने नीचे लिंक दे रखा है, अगर आपने यूसैट के लिए एनरोल नहीं किया तो कर लेना. और अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अनअकैडमी आपको IIT JEE हो या नीट हो या जो भी आपका गोल हो उसमें कैसे हेल्प करता है, कैसे अनअकैडमी नंबर वन है, कैसे अनअकैडमी, अगर अनअकैडमी नंबर वन है तो नंबर टू आसपास भी क्यों नहीं है, एंड व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. प्लीज ध्यान से सुनना, मेक अ नोट ऑफ दिस राइट अवे. तो जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है स्केड्यूल. वन थिंग इज कि मंडे टू वेंसडे, बेटा मंडे टू वेंसडे है ना, जे लाइव डेली की क्लासेस होती है 2.0 की, 11th की होती है 7-8-9 बजे, 12th की होती है 4-5-6 बजे. दिस इज मंडे टू वेंसडे. उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे है ना, थर्सडे टू सैटरडे आपकी 12th के लेक्चर्स होते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 12th के लेक्चर्स होते हैं उसी टाइम पे. ठीक है, तो जे लाइव डेली जाता है, बट यार ऐसा नहीं है कि 11th 12th के लिए मतलब खाली 3 दिन 11th फिर 3 दिन 12th, ऐसा नहीं है, है ना. बेसिकली मंडे टू वेंसडे 11th की ये क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डेली, और थर्सडे टू सैटरडे 4-5-6 बजे उन्हीं जो भी आपको पढ़ाया होता है उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल, जेई लाइव डेली जाता है आपके लिए, 6 दिन जाता है, 7वें दिन संडे को हम कुछ स्पेशल करते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड. तो यार ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस. अब आगे बढ़ते हैं. उसके अलावा यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, कि आप कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो, सारे नोट्स आपको मिलते रहे. तो यू कैन जस्ट सर्च, आप हम सबको भी सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी जेई को सर्च कर सकते हो, गो टू द टेलीग्राम चैनल्स एंड अभी के अभी इनको फॉलो कर लो या इस लिंक पे आप ढूंढ लेना. ठीक है, बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल फॉर श्योर. उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड, इनिशियली मैंने आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, उस पर भी आप आ सकते हो. उसके अलावा यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है, ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यार यहां पे सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th 12th एक वेबसाइट पे है. बेटा अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है और आप हिमालय पे भी हो ना, तो आप मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी डिजिटल वीडियो बुक को एक्सेस कर सकते हो. इसमें सब कुछ है, IIT JEE का सब कुछ है. 1.0 के कंटेंट को हमने बीट किया है 2.0 में, 2.0 ऊपर है, 1.0 के भी सारे लेक्चर्स नीचे हैं. तो बेटा सो यू कैन फॉलो 2.0 फ्रॉम हियर, और अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप 1.0 में भी देख सकते हो उसको, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर 2.0 बिकॉज इट इज बियॉन्ड कंपेयर, आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है. 9 लाख बच्चे JEE देते हैं बेटा हर साल, 9 लाख बच्चे JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं और इन लेक्चर्स को देखते हैं. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. नमो सर आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ. नमो सर क्या मैं JEE क्रैक कर सकता हूं उससे, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं इस कॉन्टेंट से? बेटा आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो इस कंटेंट से. मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट टू लास्ट ईयर केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स. तो यार ये एक डिजिटल वीडियो बुक है, अब यार इसमें कोई खामी है क्या? हाँ बेटा, आप यहां पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए. नेवर इन योर लाइफ पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी को एजुकेशन, जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पे दे चुके हैं. ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, इट्स ऑल आउट देयर. और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ, यूज द कोड नमो या नमो लाइफ टू गेट ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से ये हो चुका है. तो यार मतलब अगेन प्लीज इंश्योर कि आप सब लोग अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाओ. ठीक है, वी हैव डन इट एंड नाउ
यू ऑल, और बट अगेन वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर पाओगे. अगर आप बिल्कुल मतलब फुल फ्लेज्ड पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर इंटरेक्शन इन अ लाइव क्लास एनवायरमेंट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना, अगर आप चाहते हो कि यार इन टॉप टीचर्स से, इंडिया की टॉप टीम से मैं पढ़ना चाहता हूं पर्सनलाइजेशन के साथ, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आने में देर मत करना. यहां पे आपको एक लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है जहां पे पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, इंटरेक्शन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा. ऐसा आपको कहीं नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इट इज अबाउट किस कॉन्टेंट से वो इंटीग्रेटेड है. तो यार ये इंडिया का टॉप कॉन्टेंट है, तो इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट ऑफ कॉन्टेंट विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट. तो अनअकैडमी अगर ये एक गोल्ड माइन है तो बेटा ये एक डायमंड माइन है. बट यार सारा रोना क्या है, नमो सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, सब उसकी बात करते हैं, इंडिया के सारे टॉप ऑथर्स, सारे टॉप टीचर्स, इंडिया की टॉप टीम वहां पे पढ़ाती है, बट सर ये पेड है. बेटा अब मैं बताना चाहता हूं अनअकैडमी का अब एक फ्री प्लान भी तुम अनलॉक कर सकते हो विद द कोड नमो एंड नमो लाइव, ठीक है, या मतलब कोई भी कोड यूज कर सकते हो. बट द थिंग इज कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप अनलॉक करोगे, है ना, उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेड क्या है, और उसके बाद जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा. उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, बेटा पूरा सब कुछ पुख्ता सोल्यूशन है. वीकली टेस्ट सीरीज होगी, हर वीक इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज होगी. क्या उसको इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं, हाँ. क्या वो जेई को सिमुलेट करता है, हाँ. क्या नमो सर उसमें मुझे अपनी रैंकिंग एक तरीके से मिलेगी टॉपर के साथ, क्या मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे 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 इंप्रूव कर रहा हूं, किलर विजुअलाइजेशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस पता चलेगी, क्या मैं गलती कर रहा हूं वो सब पता चलेगा, एब्सोल्युटली पता चलेगा. उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, एवरीथिंग इज देयर, हर बैच का सब कुछ मिलेगा. और बेटा जो एक चीज अनअकैडमी ने महान की है वो की है कि इस इंडस्ट्री का ट्यूबरक्यूलोसिस मार दिया है. टीचर चेंज और बैच चेंज आज के बाद कभी नहीं होगा. द रियल डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इज राइट हियर. 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100 प्लस लाइव बैचेस. इंडिया की नंबर वन टीम, इंडिया की नंबर वन टीम आपको यहां पे पढ़ाती है, जेई लाइव डेली की टीम. मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो टीम है जिसने पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था. आज डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इनको फॉलो करते हैं, एंड दैट इज वाई दिस इज द टॉप टीम जो आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में यहां पे 1 ईयर 2 ईयर एंड ड्रॉपर्स के मतलब बैचेस में पढ़ाती है. तो आप खुद अपने बैच को चूज कर सकते हो. कोई बोलेगा कि मुझे तो जेई लाइव डेली के बैच से पढ़ना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे साथ साथ कोटा के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ना है. बेटा यहां पे बंसल का बैच है, यहां पे वाइब्रेंट का बैच है, यहां पे आप ये सोचो न्यूक्लियस एंड द फाइनेस्ट कोटा के जो टॉप बैचेस और टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पे पढ़ाते हैं, जैसे कि डीसी पांडे सर, नरेंद्र अवस्थी सर, एमएस चौहान सर, ऑथर्स ऑफ सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रिस्निक हैलिडे, थॉमस कैलकुलस, वाइले, जीआरबी, यू नेम इट वी हैव इट, श्री बालाजी पब्लिकेशन. बेटा इतनी इतनी किताब है, इनको इंटू थ्री कर लो, इन सब के ऑथर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं, आप इनसे साक्षात पढ़ सकते हो. एंड दैट इज वाई अनअकैडमी इज नंबर वन, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल. इसीलिए अनअकैडमी हमेशा अव्वल रहेगा, इसीलिए बच्चा बच्चा गांव गांव में अनअकैडमी को प्रमोट करता है. और जो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, अनअकैडमी ने जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया आपके लिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. और अफोर्डेबल ही नहीं बेटा, फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं. यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी है, अनअकैडमी में बस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपने सितारे बढ़ा सकते हो. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेटर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाटसोएवर, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स. तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या लाइफ चेंजिंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल कर लो, और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लो विद द कोड नमो या नमो लाइव. बोथ आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू. और बाय द वे अगर आप अनलॉक करोगे तो बाद में आप कभी प्लस या आइकॉनिक में अपग्रेड करते हो तो आपको पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. तो अनलॉक द फ्री प्लान राइट नाउ विद द कोड नमो, ठीक है. उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया आपने, फिर यार आपको स्टेप्स पता है, आप तो स्मार्ट हो ही, है ना, ठीक है. यू गो टू प्लस, यू सेलेक्ट योर गोल आईआईटी जेई या नीट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका गोल है. उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यू आर नाउ यू आर वन स्टेप अवे. उसके बाद देखो फ्री प्लान में तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे ना, है ना, तो देन इन दैट केस बेटा देर आर मल्टीपल प्लान जो आप ले सकते हो. बट मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं, है ना, अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं. तो पहली चीज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पहली चीज आप 9th में हो, 10th में हो,
अर्ली स्टार्टर हो, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो आपके लिए तो क्रैक करना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो या नमो लाइफ, है ना। इस कोड को यूज करने का फायदा यह है क्योंकि यार ये हमारा वे है आपको सोसाइटी को वापस देने का। तो यार एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, दिस इज आर वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड ऑल फील प्राउड टू यूज इट। पहली चीज, जब भी आप ये कोड यूज करते हो तो आपको प्लस और आइकॉनिक, है ना, फ्री पहला लेवल है, यूट्यूब फ्री एंड देन प्लस एंड आइकॉनिक, दोनों पे आपको मैक्सिमम जेई हो या नीट आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बेटा ये एक साल और दो साल के प्राइसेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये 6 महीने के प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये एक साल के हैं और ये दो साल के हैं, तो ये मत सोचना ये प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसको गांव गांव में बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है अगर आप इसका पर मंथ कॉस्ट देखोगे। पहली चीज, एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गेट। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप किसी भी एक झुंड में, बेटा यू कैन एक्चुअली कलेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन आस्क देम कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स कहां पे, वो आप कर सकते हो, यू शुड एक्चुअली डू इट, है ना। तो अब यार ये आपको समझ में आ गया, उसके अलावा नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर इन द एंड गेम नाउ। सबसे पहली चीज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा, अगर आप बाय चांस लेट हो गए, आपके पास खाली 6 महीने हैं, तो देन इन दैट केस यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन, वरना बेस्ट है कि आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो। ये उनके लिए ही अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं इन द लास्ट मोमेंट, 1 मंथ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव केस लेके चलो कि आप 1 साल में ही इसको क्रैक करने वाले हो, तो आप 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा, 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा जो 12th में है या जो ड्रॉप कर रहा है। उसके अलावा नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट केस 11th में, अगर आपने 11th में कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है एंड अगेन यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो, 2 साल में आपको प्रॉपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे पर्सनल कोच और मतलब अगेन इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस, और अगर आपको लगता है नहीं आ रहा आपको प्लस लेना तो आप प्लस भी ले सकते हो एंड बाद में आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें यार ये फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बट अगेन अगर आप कोई भी, इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर 11th वाले बच्चे। अगर कोई लेट हो गया है तो वो ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है 6 महीने का, है ना, इनमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये ले लेंगे, है ना। उसके अलावा नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 24 मंथ्स नहीं है और 12 मंथ्स नहीं है, जैसे लेट्स से 17 मंथ्स है तो भी आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, अगर आपके पास 12 नहीं जबकि 15 महीने बाकी है तो भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना मेरी बात, टेक द हायर वन। अब एक और चीज है यार, ये वाला सब्सक्रिप्शन आई वुड रेकमेंड, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है उस बच्चे के लिए जो 10th में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 10th में स्टार्ट कर रहा है तो वो 10th का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 साल का, उसमें वो 11th पढ़ेगा, थोड़ा सा 11th पढ़ लेगा बेटा, बहुत सुपीरियर एज मिलती है जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, है ना, तो यार उसको बहुत सुपीरियर एज मिलती है NTSC STSC KVPY जैसे एग्जाम्स, ऐसा बच्चा फोड़ता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाता है हिंदुस्तान के लिए, IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाता है, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाता है, IIT में सिंगल डिजिट डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक्स लाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, नेवर बी इंपेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स, विनर्स हमेशा एक चीज करते हैं, दे स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यार ये 10th वाला बच्चा, और 9th में अगर तुम लेना चाहते हो कुछ तो तुम ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो, 6th, 7th, 8th के बच्चे यूट्यूब पे ऐश करो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने में जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, अगेन अगर कोई आइकॉनिक नहीं लेगा तो ये ले लेगा, बट दिस इज माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, वो आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगे, और अगर आपको लगता है कि यार ये एक टाइम में पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो बेटा नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो, तो डेफिनेटली इसके बारे में और लोगों को मदद करना एंड प्लीज एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस, बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस सो मच ऑन माय सोशल मीडिया कि हमें आप सबको एजुकेट करना पड़ता है इसके बारे में, तो डू, बट अगेन कुछ देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टुडे यू हैव टू स्टिल डू वन थिंग, है ना, यूज द कोड एंड अनलॉक योर फ्री प्लान एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि आप एक डायमंड माइन में एंटर कर रहे हो, और जब आप श्योर हो जाओ तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनलॉक करोगे तो आप देखोगे कि यार दिस कोड विल हेल्प यू गेट अ डिस्काउंट लेटर ऑल्सो, तो जब आप अनलॉक करो तो यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइफ, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड
एक और चीज बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी कॉम्बैट जो सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन है ये हर, और बाय द वे मैं बताना चाहता हूं, ये हर 15 दिन में होता है, हर सेकंड संडे को होता है। तो अगेन डेफिनेटली लिंक नीचे गिवन है, इंडिया का सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन ऑफ फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, उसको अनलॉक कर लो अभी के अभी। एंड द इनवाइट कोड इज, इट इज इनवाइट ओनली, इनवाइट कोड इज नमो लाइफ, नमो या नमो लाइफ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो अभी के अभी, कर लो ये तो, है ना। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अभी के अभी अनअकैडमी कॉम्बैट में आ जाओ, अभी के अभी अनअकैडमी के फ्री प्लान में आ जाओ, एंड यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहो। ठीक है, और कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हमें नमो सर का, समीर सर का, और या यहाँ की जो टॉप टीम है इससे हमें पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइजेशन मिलेगा और गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलेगी फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में एक अमृत की तरह है। बस यार एंड में एक ही चीज बोलूंगा यार, ये जरूर करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज समथिंग विच हमारे हार्ट्स बीट करते हैं इसके लिए, आर हार्ट्स रियली बीट फॉर दिस। #JEELiveDaily से इसको जल्दी ये शेयर कर देना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े ये रेवोल्यूशन बनना चाहिए। और यार जब इसको आप शेयर करो ना, तो आप डेफिनेटली यार आप मुझे टैग भी जरूर कर देना। दिस इज माय आईडी बच्चों, दिस इज माय आईडी ऑन Instagram, ऑन Twitter, ऑन Facebook, हर जगह यही आईडी है डेफिनेटली। स्पेशली Instagram पे तो आप मुझे स्टोरी में टैग करना है इसमें, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो डेफिनेटली #JEELiveDaily के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, मतलब समथिंग अबाउट दिस लेक्चर विच यू रियली रियली लाइक, and definitely do tag me, and thank you so much for making me one of the most loved, one of the most viewed, and one of the most followed teachers in the country across platforms, across goals, and I love you for that. ठीक है, ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, है ना, इनका मतलब इनको खत्म कर दो, है ना, ये सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का जो शेयर, आपको पता ना सब्सक्राइब और शेयर बहुत आसपास होते हैं, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द गुड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड डेफिनेटली गुड नाइट, टेक केयर, एंड वी वुड लव टू सी यू ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म, वी वुड लव टू सी यू इन अ मच मोर पर्सनलाइज मैनर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो सी यू इन माई क्लासेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इज वेल, जहां पर आप बहुत ज्यादा फन करोगे, जहां पर मतलब अगेन यू विल नो योर लेवल, यू विल एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि वहां पे आपको एक स्केड्यूल मिलेगा, बट एट द सेम टाइम एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आपको लगता है नहीं नमो सर मुझे तो फ्री में क्रैक करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, एंड